ये है दोस्तों मेरे बर्थडे के हॉल का सेकंड पार्ट। इसमें मैं आपके संग शेयर करूंगी अपने क्लॉथ्स और थोड़े बहुत हेयर टूल्स का जो मैंने मंगाए हैं वो, और ये जो है काफी बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं अभी आपसे पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। वैसे तो मैं जल्दी ही बनाने की कोशिश करिए ताकि आपका टाइम जो है बर्बाद ना हो, तो मैं ज्यादा बातें ना करूं इसलिए मैं आपको यहीं पे डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि इसके अंदर जो मैंने जींस यूज करी है वो लिवाइस की है और जो शर्ट यूज करी है वो लिवाइस की है, तो दोनों ही चीज लिवाइस की है। बाकी जो टॉप है उनके रेट और उनके नेम जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सारे रेट और रेट जो है इन सभी के और नेम जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस अकॉर्डिंगली मैं आपको दिखा रही हूँ उसी की तरीके से मैं नीचे डाल चली जाऊंगी डिस्क्रिप्शन में कि ये चीज जो है ये इस तरीके की है, उसके इसके रेट जो है ये है, किस कंपनी की है और कहाँ से मैंने मंगाई है, तो सारी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपका समय अब नहीं बर्बाद करते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा होने वाला है। इसमें है दोस्तों ये हेयर टूल्स, कुछ मेरे क्लॉथ जो मैंने खरीदे हैं और थोड़ा बहुत मेकअप का और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, और ये सभी के सब मुझे हैं थोड़े बहुत डिस्काउंट में मिले हैं, तो इनके एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो दोस्तों जो सबसे पहले ड्रेस है मेरे पास वो है ये शॉर्ट्स, तो ये जो है रियो का शॉर्ट्स है ब्लैक कलर का जिसमें व्हाइट कलर की डॉट्स हो रही हैं, जिसे मैंने पेयर किया है ये येलो कलर की टी शर्ट के साथ जो कि है वेनिजन की, तो ये दोनों जो पेयर होते हैं तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और देखने में इनका जो मैच है वो काफी अच्छा है। और ये जो टी शर्ट है इसको मैं दो तीन तरीके से और पहन सकती हूँ और इसे किसी के अंदर डाल के भी पहन सकती हूँ, तो ये जो है मल्टीपर्पज प्रोडक्ट टाइप का हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी टी शर्ट है ये और इसकी जो कपड़े की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो ये जो था मेरा पहला सेट था जिसको मैंने और भी तरीके से मैच किया है, तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा सेट, तो उसमें भी मैंने ये टी शर्ट जो है वो भी कैरी की है। सेकंड पेयर है दोस्तों ये मेरी जींस का, तो ये जो है काफी ज्यादा फेडेड ब्लू कलर की जींस है जिसे मैंने पेयर करा हुआ है इस तरीके की एक ब्लू शर्ट के साथ, तो ये जो ब्लू शर्ट है काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसे जो है आप अपनी लेयर कर सकते हैं किसी ड्रेस के साथ भी, और इसका जो बैक है वो भी देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छी आती है। आप इसे जैकेट के तरीके से भी यूज कर सकते हैं और इसे शर्ट के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पेयर है दोस्तों वो है ये ब्लू टेक्सचर जींस, तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छी जींस लग रही है और ये जो है काफी ज्यादा अच्छी है। इसको मैंने पेयर कराया है वेंटेशन की जो मैंने येलो टी शर्ट दिखाई थी उसके साथ, और ऊपर से मैं डाली है ये नेवी ग्रीन कलर की शर्ट, तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और इसे आप मल्टी तरीके से पहन सकते हैं। आप इसे भी शर्ट के तरीके से पहन सकते हैं और जैकेट के तरीके से, क्योंकि इसका जो कपड़ा है काफी ज्यादा थिक है और ये जो है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसे पहनने में भी आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छी शर्ट है और इसे भी आप डिफरेंट तरीके से पहन सकते हैं और ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगती है और हर कलर पे ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है ये नेवी ब्लू कलर की पैंट, तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छी पैंट है जिसे मैंने मैच किया है ये व्हाइट कलर की शर्ट के साथ में, तो ये कॉटन की शर्ट है काफी ज्यादा अच्छी है और इस पर जो है सिल्वर कलर की जो एम्ब्रॉयडरी है आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रही हो यहाँ पे तो वैसे दिखेगी नहीं क्योंकि ये व्हाइट कलर की है इस वजह से, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही अच्छी फ्लोर एम्ब्रॉयडरी हो रही है जो कि व्हाइट कलर में ही है, और व्हाइट कलर की टी शर्ट और शर्ट वगैरह जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है और व्हाइट शर्ट जो है मुझे चाहिए भी थी तो इसलिए मैंने ये मंगाई, तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और इसे आपस में पेयर करने के बाद ये और भी ज्यादा खूबसूरत निखर के आती है। नेक्स्ट पेयर जो दोस्तों मेरे पास है वो है एकदम प्लेन ब्लू कलर की जींस जो कि एकदम सॉलिड टाइप की होती है जो हमेशा ही हर किसी को मिली जाएगी हर किसी के वार्डरोब में, तो वो उसके साथ जो मैंने पेयर करी है वो ये शर्ट है, तो ये रेड कलर की शर्ट है जिसपे एकदम एम्ब्रॉयडरी एक्चुअली प्रिंट हो रहा है ये, तो ये जो है व्हाइट कलर का प्रिंट है और इस पर व्हाइट एंड ग्रीन कलर का काफी अच्छा प्रिंट हुआ है जो देखने में काफी अच्छा लगता है, और अगर आप इसे चाहें तो इसे भी किसी के ऊपर डाल सकते हैं, किसी ड्रेस के ऊपर एज ए जैकेट डाल सकते हैं या फिर शर्ट के तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, और इसका कपड़ा बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है और काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये जो है काफी अच्छे से बैलेंस भी हो जाती है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और इन दोनों को मैच करने की बात करें तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट है वो है जो मैं पेयर पहने हुई हूँ इस टाइम पे, तो ये जो है एकदम सॉलिड नेवी ब्लू कलर की जींस है जिसकी फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी है, इसको जो है मैंने मैच किया है ये येलो कलर के शिफॉन के टॉप के साथ में, और ये काफी ज्यादा अच्छा टॉप लग रहा है, तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छा टॉप है भी और देखने में काफी ज्यादा स्वीट लग रहा है, इसकी जो बेल स्लीव्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, और ये जो जींस है पर्सनली मेरी पर्सनल फेवरेट जींस है और इसी को मैंने जो है काफी सारे अलग टॉप्स हैं उनके साथ मैच किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको किस किस टॉप के साथ मैच किया हुआ है। तो ये जो येलो टॉप है इसके अलावा तीन टॉप और भी हैं
तो ये चारों ही जो है मैंने आजियो से लिए हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो ये येलो टॉप काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये शिफॉन का टॉप है, काफी ज्यादा लाइट वेट है, देखने में भी अच्छा लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये ब्लू कलर का टॉप। तो इसकी जो शर्ट है वो आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा शर्ट टाइप का टॉप है ये, सब गला भी काफी अच्छा है और इसकी जो स्लीव्स है वो भी काफी अच्छी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये रेड कलर का टॉप। अगेन इसकी नेक भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, काफी डीप है और मतलब आप इसे ऑफ सॉलिड टाइप से करेंगे तो वो भी हो जाती है। इसकी भी स्लीव्स जो है काफी ज्यादा अच्छी है। एंड देन नेक्स्ट है मेरे पास ये जो कि लगता है एकदम निटेड टॉप की टाइप से, जैसे कार्डिगन टाइप में होते हैं, आप इसे हल्की सर्दियों में भी पहन सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा ये टॉप है। तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छे अच्छे टॉप है जो कि मैंने इसी के संग पेयर करने हैं। आप चाहे तो किसी और के संग पेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से पेयर कर सकते हैं। तो ये चार टॉप जो है मैंने इस पर्टिकुलर जींस के लिए मंगाए थे जो कि मुझे इस पूरे सेट में सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। नेक्स्ट जो है दोस्तों मेरे पास ये व्हाइट कलर का टॉप है जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके साथ मैं जो पेयर कर रही हूँ वो है ये ब्लैक कलर की जैगिंग, जिसे आप बोल सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी है और ये जो है काफी क्लासी लग रहा है। उसका जो परफेक्ट मैच है वो यही है, उसके लिए जो आप कह सकते हैं एकदम से काफी ज्यादा अच्छा लुक जो है इसको पहनने के बाद आता है। और इस जो शर्ट को या टॉप को या टी शर्ट को जो भी आप बोल सकते हैं इसे, तो इसे जो मैंने मैच किया है वो ये प्लाजो स्कर्ट टाइप का है, इसके साथ मैंने मैच किया है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये जो है परफेक्ट मैच हो जाते हैं क्योंकि इसका जो कलर है काफी ज्यादा अच्छा सा है और इसके साथ एकदम सिंपल सो व्हाइट जो ये टॉप है काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो है एकदम क्लासी जो फिनिश होती है और क्लासी जो लगते हैं काफी ज्यादा उस टाइप का ये जो पेयर लगता है और ये दो पेयर जो है सिर्फ तीन में ही कंप्लीट हो जाता है, तो काफी ज्यादा अच्छा ये पूरा सेट बन जाता है। नेक्स्ट जो है ये मैंने मंगाई है एक ड्रेस, तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छी ड्रेस है, आप देख सकते हैं पार्टी वेयर ड्रेस है और ये जो है कोट की ड्रेस है और लाइफ स्टाइल के शोरूम से शायद मैंने खरीदी थी, तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और इसको जो है मैंने पेयर करा है कोट के ही एक शर्ट के साथ, तो ये जो है दोनों परफेक्ट मैच है। अगर आप कहीं जाते हो तो इसके ऊपर से आप इसे डाल भी सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो मत भी डालिए, लेकिन परफेक्ट एकदम मैच जो है वो इसका काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये जो है मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई, सबसे ज्यादा अच्छा मुझे यही सेट जो है इस पूरे हॉल में लगा हुआ है। इसके बाद जो है ये बेरामोट की एक ड्रेस है, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी मैक्सी ड्रेस है और इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है और इसकी नेक की बात करूं तो वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। एक्चुअली मुझे जो एकदम ऑफ शोल्डर टाइप की होती है वो ड्रेस काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो ये जो है इसका भी कुछ इस तरीके का गला है, काफी ज्यादा अच्छा गला लग रहा है इसका और पूरी ही ड्रेस जो है काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी काफी अच्छी लेंथ है, साथ ही साथ काफी अच्छा इसका घेर भी मिलता है आपको। नेक्स्ट जो है वो मैंने ये मंगाया है अर्बेनिक का एक नाइट ड्रेस, तो ये जो है पीच कलर का टॉप है और ब्लू कलर का इसके नीचे लोअर टाइप का है और ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इनका पर्सनली पेयर करने का काफी ज्यादा अच्छा नाइस सूट हो जाता है। अगर आप इसके ऊपर जैकेट चाहते हैं तो इस तरीके की व्हाइट जैकेट जो एकदम ऑफ व्हाइट कलर की है, एकदम लाइट जैकेट है जो मैंने मंगाई है और ये मैंने आजियो से मंगाई है और ये जो है काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और पर्सनली जो है इसका पेयर जो करने के बाद काफी ज्यादा अच्छा एकदम क्लासी सा जो लुक है, एकदम एलिगेंट लुक आपको उसको मिल जाता है। एंड लास्टली जो मेरे पास है वो है ये हुडी, तो ये जो है येलो कलर की हुडी, काफी अच्छा कलर है, इसकी जो स्लीव्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं और ऐसी हुडी भी है, आप इसे किसी टॉप के ऊपर भी डाल सकते हो, हल्की सर्दियों में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो और ये जो है काफी अच्छा लुक देती है, प्लेन है एकदम और इसकी स्लीव्स जो है काफी अच्छी लगती है, तो मुझे स्लीव्स की और जो नेक होती है वही दो चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। फिटिंग के एक बार लूज फिटिंग हो तो भी चलता है, बट अगर इनकी आस्तीन जो होती है अच्छी होती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छी है और इसमें कई डिफरेंट तरीके से पेयर भी कर सकती हूँ। अगर मैं फुटवेयर की बात करूं तो मैंने मंगाए हैं ये सैंडल, ये बाटा के सैंडल है और ली कूपर के ये जो है फुटवेयर मैंने मंगाए हैं, तो बेसिकली मुझे ये जो ब्लैक कलर के फुटवेयर है काफी अच्छे लगे हैं, इसे मैं जींस के तरीके से पहन सकते हैं, इसे सूट पे भी पहन सकते हैं और इसे काफी डिफरेंट मतलब तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हैं और इसकी हील जो है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो ये कैरी करने काफी आसान हो जाते हैं और काफी ज्यादा कम्फर्टेबल भी है। लास्टली मैं आपसे बात करूंगी थोड़े बहुत टूल्स की, तो सबसे पहले मैं फेस टूल्स की बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पर जो है मैंने NYX का मैंने ये ब्रश मंगाया है, तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छा ब्रश है, आप अगर फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन काफी अच्छे से लग जाता है। श्रेया जैन जो है उन्होंने इसे बहुत ज्यादा रिकमेंड किया था और उनकी वीडियो जो है काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू देती है वो, तो उसके लिए मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है और मैंने ये मंगाया है। एंड देन मैंने जो मंगाया है ये है आईलैश कर्लर, तो ये जो है कुछ डिफरेंट टाइप का है, एक्चुअली आप देख रहे होंगे काफी छोटा सा लग रहा होगा, एक्चुअली जब हम अपनी आईलैश को कर्ल करते हैं तो बीच में से तो हो जाती है कि साइड से जो रह जाती है, उसके जो आईलैश कर्लर है वो ये है, आपके किसी
पर्टिकुलर एरिया को अगर आपको कर्ल करना है तो उस टाइम भी काफी अच्छा रहता है। ये जो है हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट है फॉर ऑल हेयर टाइप, हॉट शॉर्ट करके है, ब्लू ब्लेंड का है, तो ये जो है आप लगा सकते हैं बालों में किसी भी हीटिंग टूल्स को यूज करने से पहले। तो ये सकते हैं बेबी लिप्स का जो है ये आप देखिए कुछ इस तरीके के हैं, तो ये कलर है, तो आप इसको अपने बालों को कर्ल करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने बालों को कर्ल करते हैं और रॉड से करते हैं तो उसके बाद फिर आपके वो लूज हो जाते हैं, फिर आप उसे टाइट करते हैं, टचअप करते हैं, तो उससे अच्छा मुझे ये लगता है आप इसे लगाइए, उसे आप मेकअप करिए एंड देन ये रिमूव कर दीजिए, और जो आपका कर्ल होते हैं वो वैसे ही बने रहते हैं और काफी अच्छे लगते हैं। तो बाउंसी कर्ल जो है मिल जाते हैं, और मैं इसका रिव्यू आपके लिए जल्द ही करके दूंगी। एंड देन जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास ये एक बेबी लिप्स का हेयर स्ट्रेटनर, तो ये जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसका भी रिव्यू मैं आपके लिए जल्द ही करके दूंगी। तो ये दो जो है हीटिंग टूल्स है, इसके लिए मैंने ब्यूब्लेंड का हीटिंग स्प्रे मंगाया है, तो ये जो है काफी अच्छे है, और इन दोनों का ये रिव्यू आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। तो ये था दोस्तों हॉल वीडियो, और ये जो था लास्ट पार्ट था इसमें मैंने आपके साथ क्लॉथ ग्लास शेयर करे हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो जो आपके लिए अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल का तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ मैंने अपने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे कि ये मैंने मंगाए हैं, और ये वीडियो काफी लंबा हो गया तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करती हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक थम्स अप तो कर ही देना।